मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, आज हमारे अमरावती में दूसरे चरण का मतदान है और उसके लिए सुबह मैंने हनुमान चालीसा का पठन किया। माँ का, बाबूजी का, घर के बड़े लोगों का, सबका आशीर्वाद, ब्लेसिंग लिया। हमारे यहाँ पे रिचुअल जो संस्कार संस्कृति हमारे महाराष्ट्र में चलती है, आरती उतार कर, माथे पे तिलक लगाकर, हाथ में दही शक्कर देकर फिर अच्छे कामों के लिए शुरुआत के लिए बाहर भेजा जाता है वो सब, और बड़ों का आशीर्वाद लिया। और उसके बाद आज अभी मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी अमरावती की जनता, इनको ये पता है कि ये मतदान देश के प्रति मतदान है और वो 100% अपनी बहू को और एक छोटी सी कार्यकर्ता माजी सैनिक की बेटी को आने वाले समय में और आज मतदान देकर आशीर्वाद जरूर देंगे। कोई चुनौती लगती है आपको बलवंत मान खेड़े मैदान में स्थानीय विधायक की तरह से बोल लग रहा है तो कि चुनौती इस बार पड़ेगा? मैं तो जितने भी उम्मीदवार है सभी को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। मैदान है, सभी ने, सभी का अधिकार है मैदान में लड़ना और सभी लड़ रहे हैं तो उनको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं है। पर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मतदान है तो अमरावती कर ये जरूर जानती है कि विकास के लिए मोदी जी को हमको मतदान करना है और कमल चिन्ह पे मतदान करके अपने क्षेत्र का और विकास के हित में मतदान होना चाहिए। काफी आक्रामक हो रहे हैं, काफी आक्रामक हो रहे हैं, कह रहे हैं धर्म की लड़ाई नहीं विकास की लड़ाई। हाँ, हम विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जिस तरीके से भी विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जितने भी उम्मीदवार है बहुत शुभेच्छा है। कैसा होता है एक परिवार एक क्षेत्र में रहने के बाद, सब हमारा परिवार होता है, पर हमारा देश हमको सबसे ज्यादा प्रिय है और देश के विकास के लिए, देश को तीसरे नंबर पे विश्व में लाने के लिए मोदी जी फिर से एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हम सब उस दिशा में काम कर रहे हैं। और मेरी अमरावती कर जितने भी हैं उन्होंने पहले भी मुझे आशीर्वाद दिया एक बहू के रूप में और एक कार्यकर्ता के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के लिए, तो सभी के चेहरे पे खिलता हुआ कमल आप आंखों में पढ़ सकते हैं। मेरी अमरावती में आज वो चित्र है। मुझे लगता है मैं हनुमान जी की भक्त हूँ और मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा पठन जब जब मुझे हर रोज जब मैं गाड़ी में ट्रैवलिंग करती हूँ बैठती हूँ और अपने आप को ऐसा फील करती हूँ कि मुझे मेरे हनुमान जी को 5 मिनट और 10 मिनट फिर से वापस से हनुमान चालीसा करना है तो मुझे लगता है शुरुआत जो मैंने की है हर दिन की वो हनुमान चालीसा से की है। राजनीति हो रही है नवनीत जी, मंगलसूत्र को लेकर भी पीएम मोदी ने हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि वो महिलाओं कहां तक छीन लेगी, घर तो घर छीन लेगी, मंगलसूत्र भी छीन लेगी। आप 52 वर्ष के राहुल बाबू से और एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं? इस देश की महिलाओं की संपत्ति खींचने की अगर कोई बात करता है तो इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन 52 वर्ष के जो कांग्रेस पक्ष के लोग भी बोलते हैं कि हमारा राहुल बाबू अभी समझदार हो गया है, तो 52 वर्ष अगर किसी को समझदारी के लिए लगता है तो उसमें मुझे कुछ बोलना नहीं है। इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जिस तरीके से इस देश के हर एक व्यक्ति के लिए संविधान लिखा है, जब तक सूरज रहेगा तब तक संविधान रहेगा और तब तक ये उनके अधिकारों के लिए हम लड़ते रहेंगे। ऐसे 52 वर्ष के समझदार के लिए अब और 50 साल लगेंगे कि इस देश की महिलाओं का सोना और संपत्ति छीनने के लिए। इंडिया गठबंधन जो है वो हमारे SC ST और OBC लोगों का अधिकार मुस्लिम्स को देना चाहता है, ऐसा JP नड्डा ने अभी एक ट्वीट किया। मैं देखिए मेरी लड़ाई मैंने लड़ ली है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरी अमरावती हमारे मोदी जी के साथ है, हमारी अमरावती विकास के साथ है, हमारी अमरावती इस देश के हित के साथ है, हमारी अमरावती के युवक आने वाली विकास चाहती है तो इस देश के विकास के लिए मेरी अमरावती के सभी जनता। मुझे लगता है पक्ष कोई कितना भी अगेंस्ट खड़ा रहे मतदार मेरे साथ है और उनका आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now स्वदेश।